हेलो गाइस, इस वाले वीडियो में हम बैंडिट लेवल 4 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड है वो स्टोर्ड है होम रीडेबल फाइल में, जो प्रेजेंट है इनहेल डायरेक्टरी में। तो चलिए इस वाले लेवल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बैंडिट 4 यूजर में लॉग इन होऊंगा यूजिंग SSH। उसके लिए कमांड है SSH बैंडिट 4 @ bandit.labs.overthewire.org। उसके बाद -p पोर्ट नंबर मेंशन करने के लिए 2220 एंटर। यहाँ पे हमें पासवर्ड टाइप करना है। मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+Shift+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+Shift+V पेस्ट करने के लिए एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बैंडिट 4 यूजर में लॉगिन हो गया हूँ। whoami कमांड चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो बैंडिट 4, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ls-l कमांड ये चेक करने के लिए कि मेरे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या क्या फाइलें या डायरेक्टरी प्रेजेंट है एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है जिसका नेम है इन हेयर, और हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है जो मेरा नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड है वो स्टोर है इनहेल डायरेक्टरी में। तो किसी भी डायरेक्टरी में मूव करने के लिए या नेविगेट करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं cd। cd मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद आता है डायरेक्टरी का नेम। मेरे वाले केस में डायरेक्टरी का नेम है इन हेयर, सो इन हेयर एंटर। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे इनहेयर लिखा हुआ आ रहा है। ls-l कमांड अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी फाइलें हैं, और इन्हीं किसी फाइल में जो होता है मेरा पासवर्ड स्टोर्ड है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि किस वाले फाइल में हमारा पासवर्ड स्टोर्ड है, और हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है जो मेरा नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड है वो स्टोर्ड है ह्यूमन रीडेबल फाइल में। किसी भी फाइल का टाइप चेक करने के लिए कि वो कौन से टाइप का है हम कमांड यूज़ करते हैं फाइल। अगर फाइल जिप टाइप का है तो वहाँ पर आउटपुट आएगा जिप। PDF फॉर्म में है तो PDF। अगर नॉर्मल फाइल है तो हमारे पास आउटपुट आएगा ASCII टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, हम हर एक फाइल के साथ फाइल कमांड रन करेंगे ताकि हम उसका टाइप चेक कर सकें। सबसे पहले मैं फाइल 0 को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C, उसके बाद फाइल, उसके बाद फाइल का नेम। यहाँ पर एक दिक्कत है, हमारा जो फाइल है फाइल 0 उसके नेम के आगे आ रहा है डैश, जिसकी वजह से मुझे एरर आएगा। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये एरर ना आए ये कमांड अच्छे से रन करे, हम फाइल के बाद डबल डैश लगा देंगे, फाइल स्पेस डबल डैश स्पेस नेम एंटर। यहाँ पे अब हमें बता रहा है जो हमारा फाइल 0 है उसका टाइप है डाटा। सेम हम करेंगे फाइल 2 के लिए डाटा, 3 के लिए डाटा, 4 के लिए डाटा, 5 के लिए भी डाटा सेम। ओके, 7 जो फाइल 7 है मेरा उसका टाइप है ASCII टेस्ट, मतलब इस वाले फाइल में जो होता है मेरा पासवर्ड स्टोर्ड है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C एंड कैट कमांड का यूज़ करूँगा। यहाँ पर भी जो होता है मैं डबल डैश का यूज़ करूँगा, उसके बाद फाइल का नेम एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड मिल गया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C एंड vi। ये लेवल 5 का पासवर्ड है इसलिए बैंडिट 5 एंटर। यहाँ पर मैंने पासवर्ड पेस्ट कर दिया है। कंफर्मेशन के लिए कैट कमांड बैंडिट 5। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो बैंडिट 5 यूज़र का पासवर्ड। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।